बर्बाद हो गए हम लोग, सिख तो बर्बाद हो गए। कौन सुनेगा हम लोगों की, जब जवान भगाएंगे कहाँ थी अभी तक। झाड़ू बर्तन कर ले, रोज निशानगंज जाते हैं 100 रुपए रोज का। आप अभी भी जाते? हाँ अभी भी जाते हैं। न जाए तो हमारा औलाद नहीं है, तो बच्चे कहाँ से खिलाए। 17 लोग सब इसी में रहते हैं। सब कोई रोड पे लेटता है, कोई गली में लेटता है। बिटिया बहुए, चार बहुए भैया, कम ये एक मिली। जिस हालत से हम लोगों को दिया है, कूड़ा करकट ना फेंक दिया, उससे अपना मकान बना है। इतनी हालत में वह बिटिया सोएगी, वह बहू सोएगी, वह पतोह सोएंगे, वह ससुर सोएंगे। बसंत कुंज में इस समय मौजूद है, और बसंत कुंज ये वो अपार्टमेंट्स हैं, ये वो पीएम आवास है जो अकबर नगर में जो जमींदोज कर दिया गया। अकबर नगर एक ब्लॉक में कितने नीचे 12 हैं, और पूरा फ्लोर नीचे से ऊपर तक 48 हैं। 48 एक ब्लॉक में। ये ब्लॉक 69 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये देखेंगे ये लगभग इसमें कितने फ्लैट्स होंगे। कितने हैं नीचे वाले? 12 हैं। हाँ। सबसे नीचे 12, 24, 36, 48। अच्छा जी, तो 12 नीचे हैं और 24 और 12 पूरे हैं। 12 हैं। 12 पूरा, तो एक फ्लोर पे 12 करके ये फ्लैट्स हैं। और यहाँ पर जो देखें, लेकिन बड़ी बात, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग को यहाँ पे मिल गया है, बिजली की और पानी की समस्या बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बिजली दिख रही है। बिजली दिख रही है, बिजली दी गई है, जैसे कि पानी वगैरह जो तो खोलता हुआ आ रहा है, ये सबसे हम लोग को दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा किसी तरीके। मगर ये महिला को आप देख रहे हैं, या अकबर नगर काम करने जाती हैं, झाड़ू पोछा। एक मिनट आपको, हाँ तो बिजली की समस्या नहीं है? बिजली नहीं, अब आ रही है, अब आगे देखिए, अब खोल लें 2-4 महीने के बाद जब बिल लिया जाएगा तो देखा जाएगा। बिल लेंगे तो जैसे गरीब आदमी देगा कहाँ, या कोई कारोबार आप देखें, 100 रुपये लगा के अकबर नगर जाती है काम करने, 100 रुपये लगा। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाते हैं, छोटा हाथी चलाता हूँ। छोटा हाथी जी। तो आप कहाँ, आपके पास यहीं पे, यहीं से? मैं, हम हाँ यहाँ लेके जाते हैं, 200 रुपये तेल लगता है, जाना आना। क्या यहाँ पर आप वैसे क्या करती थी जब अकबर नगर? हम भैया चौका बर्तन घरे घर करते हैं। मेरे आदमी का अकबर नगर में रह रही थी। हाँ, आदमी का इंतकाल हो गया, 6 बच्चे हैं मेरे। हाँ। चौका बर्तन करके बच्चन का पाल लेते, लड़की की शादी भी करना है तय कर दिए हैं। मगर यहाँ अब हम, कितनी बच्चियाँ? मेरे 3 लड़की 3 लड़का। अच्छा। तो अब यहाँ से हम डेली 100 रुपया लगा के अकबर नगर जाते हैं काम करने, और सुबह की गई शाम के आते हैं। ऐसे जैसे हम लोग वहाँ थे लगीच, तो दोपहर में एक बार आ जाते थे बच्चन से मिलने, फिर सौदा उदा ला के रख के खाने के इंतजाम करके फिर दोबारा जाते थे। अब वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं, दोनों टाइम का काम करके, तब रात में अभी आए। आपका कहाँ पे है ये घर, कहाँ पे? ये इसी में 70/31 में। हाँ, ये मेरा छोटा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। आरजू। आरजू, आरजू नाम है तुम्हारा। ये मेरी लड़की। कहाँ पढ़ते हो? हम पढ़ने नहीं जाते ना, तो अभी स्कूल टूट गया, स्कूल टूट गया, इरम में, इरम में जा रहा था, स्कूल टूट गया, तो अब ना बच्चन की पढ़ाई। क्या आप, ये जो यहाँ पे आपका घर है, क्या हम अंदर से थोड़ा सा दिखा देख सकते हैं? आइए। उनका अकबर नगर तोड़ना था, तोड़ दिए, खाली ला के भर दिए इसे कूड़े की तरीके, और सब चिटकाने, सब दीवारों में जाओ कहने जाओ तो आते ही नहीं है, और आते हैं तो देख के वापस चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, मतलब काम ही नहीं सुनता यहाँ का, जो मतलब दिक्कतें हैं। तो ये देखिए, ये हम अंदर जा रहे हैं, और ये 3rd मंजिल पे इनका घर है, और ये मीटर बॉक्स है, सारा लगाया गया है ये यहाँ पे। और आप देखिए कि हर चीज की सुविधा दें। हाँ। अब तो चलो अकबर नगर तोड़ दिए, यहाँ ला दिए, मगर अब हम लोग का सुविधा हर चीज की मिलना चाहिए। जैसे हम लोग काम आम नहीं करते तो कहाँ से किस्त देंगे। तो देखिए ये हालत मैं आपको दिखाऊंगा अकबर नगर का, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके का यहाँ पे कचड़ा और सब कुछ। अभी भी पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कहा गया था शिफ्ट तभी किया जाएगा जब कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप साफ तौर पे वहाँ की एक छोटी सी तस्वीर और दिखाऊंगा मैं, तो देखिए अभी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, तो काम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक हफ्ता में बुरी हालत हो गई। कहाँ चाची, आपका कहाँ पे घर है? हमारा 3 पर है।
तीन पे है। अच्छा तो थोड़ा सा आगे है, ऊपर चढ़ने वाली है, हम लोग कहाँ चढ़ पाएंगे, हपल लागत है, पानी उतरते नहीं है हम, बताओ तो हम लोग अगर नीचे देना चाहिए तो हम लोग को ऊपर फेंक, तीसरे मंजिल पे आपको, हाँ तीसरे मंजिल पे दे दिया तो हम लोग को ऊपर फेंक दिया, हम लोगों का दो पे देना चाहिए, एक पर देना चाहिए। एक बार चाची आपका घर देख सकते हैं, अंदर से ऐसे दिखा सकते हैं? हाँ दिखाएंगे, चलिए हम दिखा दीजिए। तो देखिए, वैसे चाची माफ कर दीजिएगा कि आपको फिर एक बार और चढ़ा रहे हैं तीसरी मंजिला। ये देखिए ये पूरा जो दृश्य है आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये देखिए और ये पूरा ये जी समझे, एक परेशान हो जाते सारी नौरिया सब दाने सब निकल जाए, हम लोग के बुरे हालात हो गए, हम लोग देखो कहाँ लाग गोला खंडा में फेंक दिया हम लोगों को। आइए आइए जरा एक बार चाची, तो ये देखिए, तो ये देखिए हर तरह जो है, बोलिए क्या सुझाई, कहाँ पे आपका इसी फ्लोर पे घर है? हाँ इसी फ्लोर पे। अच्छा कौन सा वाला है? 14 में। क्या क्या है यहाँ पे, क्या अभी माहौल क्या है? यहाँ पे माहौल कमाने खाने का कोई कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आप क्या, आप कहाँ काम करते हैं? अब हमको लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर रोज? हाँ रोज जाना, 15 जाते हैं। झाड़ू बर्तन कर ले रोज, निशानगंज जाते हैं 100 रुपया रोज का। आप अभी भी जाते? हाँ अभी भी जाते हैं, न जाए तो हमारा औलाद नहीं है तो बच्चे कहाँ से खिलाए, वो 2-3 साल हुआ खत्म हो गया, तो हमने 5 पोते इनको भूखे मारे रहे, कहाँ जाए। तो ये बस इतनी यही घर है आपका? अच्छा तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हॉल है, और लगभग आपने 8 आदमी परिवार है हम लोग, 8 लोग हैं। हाँ इतने में गुजारा करना पड़ता है। और 8 लोग क्या यहीं पे रहते हैं? इसी में रहते हैं। इसी में आपका क्या नाम है? जाहिदा खातून। सब 8 लोग इसी में रहते हैं? हाँ मेरे 6 बच्चे हैं। ये एक कमरा है आप देख सकते हैं, और एक ये कमरा है। हाँ और आप पंखा वंखा आप ही लोग ने लगवाया? मेरा आधा सामान कहीं और रखा हुआ है, पूरा सामान अगर इसमें रखते तो रहते कहाँ हम लोग। अच्छा मतलब अभी सामान पूरा ला भी नहीं पाएंगे? नहीं अभी पूरा लाए नहीं है, 2 मंजिल का मेरा मकान था तोड़ दिए, अब इसमें रखे हैं हम लोग को। अच्छा और मेरे 6 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ, 8 लोग हैं हम, और 6 बच्चे। हाँ 6 बच्चे मेरे, 6 जवान हैं, कोई बच्चे नहीं है। ये सबसे छोटी है, ये करामत में पढ़ती थी, अब बताइए इसकी पढ़ाई छूट गई, हम क्या करें, नया कोर। ये 6th क्लास। एक मिनट आप आ सकती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहनुमा है। अच्छा आप कौन से क्लास में पढ़ती थी? मैं 6th में। 6th में पढ़ती थी। अच्छा तो अब तो स्कूल तो आपका नहीं, जब से यहाँ आए स्कूल कहाँ गए, तोड़ गई एक बार नहीं। अच्छा अभी मेरा नया कोर्स आया था पूरा। हाँ जी, एक महीने से हम स्कूल गए हैं, सिर्फ 1 महीने गए। हाँ उसके बाद छुट्टी बोली गई, फिर मेरा घर तोड़ दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो है, अच्छा आप लोग ने पंखा भी ये लगवाया, खुद ही से लगवाया? खुद ही लगवाया। और ये देखिए किस तरीके से सामान, ये कह रही है पूरी तरीके से आए आए, एक मिनट बेटा, तो ये आ ही नहीं पाया। और ये कमरे कितना ये होगा, ये पूरा 280 स्क्वायर फिट। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि 280 स्क्वायर फिट है, और हमने कहा था कि आपको दिखाएंगे जाके, तो ये है वो 280 स्क्वायर फिट का ये एक कमरा है, अगर आप देख सक रहे हैं तो ये एक कमरा आपको दिख रहा होगा, और ये एक हॉल है छोटा सा, और इस ये किचन है, किचन है और एक हॉल, हॉल में ही किचन है। तो हॉल में ही किचन है, और लगभग ये बाथरूम है, और एक ये आप ये बालकनी आप देख सकते हैं, तो ये बालकनी है, तो ये दूसरे मंजिल पे हैं हम, और दूसरे मंजिल का ये हाल है दूसरे मंजिल पे, और ये जो इनको मिला है वहाँ पे। आपका कितना बड़ा घर था? हमारा 2 मंजिल का था। हाँ 500 का, डबल मंजिल। और गर्म इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और कैसे 8 लोग इसमें रहते हैं, मतलब मैं अंदाजा नहीं लगा पड़े रहते हैं, आधे लोग इधर पड़े रहते हैं बच्चे। अच्छा चाची आप क्या कहाँ पे है, जरा आइए एक बार दिखा दिया जाए। आइए तो देखिए एक बार एक और घर में मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ।
घर के अंदर लेटने की जगह नहीं है, इतना छोटा कमरा दिए हुए, बड़ी फैमिली है। तो आपने यहाँ पे बिछा लिया? हाँ, तो यहीं पे लेटेगा, रोड पे जाके लेटेगा। ये जो है ये वसंत कुंज है, और जो अभी अकबर नगर से जो भी लोग विस्थापित हुए हैं उनको यहीं पे लाया गया। और देखिए सामान ये बाहर रखना पड़ रहा है क्योंकि सामान इतने हैं और जगह बहुत कम है, कहाँ रखा जाएगा। तो ये देखिए आप, ये सारे सामान जो हैं, ये सामान इतने ज़्यादा हैं कि इसको अंदर, तो देखिए एक ये देखिए सामान बाहर की तरफ रखना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो सामान एक कमरा, तो मुझे लग रहा है सामान के लिए एक कमरा सिर्फ है। यहाँ हम लोग रहते पड़ते, यहाँ में बच्चे सोते हैं, यहाँ पड़े रहते। कितने लोग हैं टोटल आपके? हमें नौ लोग हैं। नौ लोग हैं? हाँ, नौ लोग। ये बच्चे हैं छोटे-छोटे मेरे। ये लड़का मेरा नहीं, इंतकाल हो गया, ये बच्चे हैं उसके। हम निषादगंज काम करने जाते हैं, 100 रुपया रोज खर्चा करते हैं, तो हम इनको बच्चन को पालते हैं। मैं अपने को ही मान दे बीमार पड़ी हूँ, मुझको कौन इलाज कर देगा? माँ बेटा नहीं होता, बेटा माँ का नहीं होता, बीबी बच्चे पाते तो कोई किसी को होता है, तो हम इतनी दूर जाते हैं 100 रुपया खर्चा करके। नहीं बताइए आप, तो आप भी जाती हैं, आप भी दोनों लोग 100 रुपया रोज 100 रुपये का मेरा खर्चा, बताइए 100 रुपये हम, मतलब आप 100 रुपये अलग, आपका 100 रुपये जी अलग, महीने के 3000 रुपये लिया जा रहा है। हालात बता दें तुमको, देखो कहाँ से कहाँ तक सामान समस्या रखा हुआ है। वो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जगह जो है नहीं, इतने 280 स्क्वायर फीट के ये सब घर हैं बने हुए हैं, और लोग अपना मकान ऐसे ही बनाए हैं। उन लोग जिस हालत से हम लोगों को दिया है, कूड़ा करकट ना फेंक दिया, उससे अपना मकान बनाए हैं। इतनी हालत में वह बिटिया सोएगी, वह बहू सोएगी, वह पतोह सोएंगे, वह ससुर सोएंगे, ऐसे अपना बनाए हुए हैं। भाई कहाँ रहते हो? भाई हम 16 में रहते हैं, 16 में। क्या नाम? शाहरुख। क्या काम करते हो? कूलर बक्से का काम करते हैं। कूलर बक्से का? कहाँ पे? यहीं निषादगंज में। निषादगंज में? तो रोज जाना पड़ता है भाई? जाना क्या पड़ता, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। यहाँ से नहीं, कैसे निषादगंज के लिए कैसे? भाई बड़ी साधन, बहुत मुसीबत में साधन, यहाँ सीतापुर बाईपास निकलिए, कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल जाइए। तो क्या यहाँ से पैदल जाते हो? भाई मजबूरी है जाना, नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? और क्या कमाई उमाई होती है? कमाई क्या, जितना कमाते हैं नहीं उससे ज़्यादा किराया भाड़ा भाई 300-400 हद है, 150-200 खर्चा भी हो जाता है। और 100-200 100 रुपये तो किराया ही लग जाता है। क्या खाना खर्चा नहीं है क्या अपना? घर भी है, घर वालों भी भाई 100-150-150 घर का भी है, बचता कुछ नहीं है भाई। ये है कि पेट चल रहा है बस, जैसे तैसे कमाई धमाई सब चली गई। शादी हो गई? बस अभी नहीं भाई, अभी शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तब तो भूखे मरेंगे। परिवार हम लोग का 17 लोगों का है, मिला एक फ्लैट है यहीं बगल में। आओ दिखाओ जरा, तो ये देखिए, ये हम लोग तो वहाँ पे जो काम करते, कितने साल से काम कर रहे हो भाई? वहाँ कम से कम 8 साल से कर रहे हैं, वहीं घर ही है, वहीं करते हैं। हाँ, तो ये घर है, ये घर है। अच्छा, दोनों घर हैं जी, बहन हैं दोनों, है? बहन लोग बैठी हैं। अच्छा, तो अंदर आ जाएं? बिल्कुल आ जाए। ठीक, तो देखिए, तो इस समय लोग आराम कर रहे हैं और कहीं, और ये हमने घर आपको दिखाया है पहले से, तो ये वो घर हैं। कितने लोग रहती हैं आप लोग चाची? अरे हम लोग कम से कम लगभग टोटल 17 लोग रहते हैं, 16-17 लोग। 17 लोग सब इसी में रहते हैं? सब, कोई रोड पे लेटता है, कोई गली में लेटता है, बिटिया बहुएं, 4 बहुएं हैं भैया, कम ये एक मिली। अभी कह रहे भार हम भर दें, हमारी तबीयत नहीं ठीक, हम ब्लड प्रेशर हार्ट के मरीज हैं जिस दिन तो से। कैसे कैसे आप लोग मतलब यहाँ रहते हैं? बहुएं एक जगह रहती हैं और आप लोग अलग रहते हैं? एक बहू यहाँ पर लेटती है, एक इधर, हम लोग गली में लेटते हैं, और आदमी जो है वहाँ तखत पे लेटते, कोई ठेले पे लेटते हैं बाहर, और सामान एक बहू बाहर पुरुआ, एक बहू के यहाँ। तो और अच्छा, वो मायके में पड़ी है, 4 तो बहुएं हैं, मान लो जो अलग हैं या शादी शुदा हैं उनको तो देना चाहिए, तो हम अकेले पाए हैं, अब हम कहाँ बच्चों को फेंक दें, कहाँ फेंक दें, हम तो रखेंगे जैसे भी रखें। हम लोग चाहे बाहर लेटें, बिटिया बहुन का तो अंदर भैया रखेंगे, सब भिंजर गए, 2 मंजिल घर बना था,
1500 स्क्वायर फीट में बना था, वहाँ छोटा मोटा नहीं था, कुछ नहीं, उस हिसाब से हमको कुछ नहीं मिला, क्या करें, कारोबार भी कुछ यहाँ नहीं। सब लोग इसमें कहाँ चले जाएंगे, तो इतना ठिकाना हो, कहीं चले जाएंगे, रहें जाके। सामान सब आ गया यहाँ पे शिफ्ट? नहीं आया, वहाँ पड़ा है भाई बाहर, थोड़ा थोड़ा दूसरे घर में पड़ा है, कोई रिश्तेदारी है यहाँ पर जान पहचान, उनके वहाँ दो एक बोरी पड़ी। अब कह रहे कंप पड़ेगा तो भराना फार्म, तो कहते हैं पहले कहाँ सो रहे थे सब लोग, ऐसे कहा जाता है। पहले क्या मालूम था कि चले ही जाएगा, हम लोगों को तो नहीं उम्मीद थी। अब ये बहुएँ हैं, इनको कहाँ फेंक दें, बहुएँ हैं, दो दो तीन तीन बहुएँ हैं, चार बहू हैं, हम हैं, इतने लोग हैं यहाँ, कैसे हम लोग रह रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। अच्छा भाई, कहाँ पे तुम लोग कहाँ सोते हो, कैसे करते हो यहाँ पे? भाई बाहर ही सोते हैं, यहाँ कहाँ सो पाएंगे एक कमरे में, या मम्मी को सुला लें, या भाभी को सुला लें, या हम लोग सो लें, बाहर मजबूरी हम लोग भी सोना। और बच्चे सब कहाँ सोते? बच्चे इसी में सोते हैं, बाकी हम लोग बाहर सोते हैं, बड़े जितने लेडीज सारी घर में सोती हैं। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक भाई, जब तक गुजारा होगा, देखे गुजारा तो नहीं पड़ेगा, कैंप लगेगा, देखे भराने बोल लें, अब देखे भरे कि ना भरे, बोल तो रहे कि हाँ एडजस्ट करा जाएगा। अच्छा, यहाँ आसपास अस्पताल तो है नहीं कहीं? कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। और ये क्या, यहाँ पे ये जो राशन का सामान है ये सब आसपास मिलता है कहीं? राशन का सामान क्या, यहाँ वहीं के लोग यहाँ पे थोड़ा सा खोले हैं, उसी से मिल जाता है राशन, तो अपना वहीं से लाना पड़ता है, शादीगंज से सिलेंडर है तो वहीं लाना है, राशन है तो वहीं से लाना है, भाई यहाँ टेम्परेजी है बस जो चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एक और घर में, क्या नाम था आप, आपका चाची की क्या नाम है? हमारा नाम है नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां। तो ये नूरजहां जी का, नूरजहां जी का अभी किसी को नहीं मिली है, इनके बच्चों को, और नूरजहां जी को मिली है। तो ये वो घर है, हम इससे पहले आपको घर दिखा चुके हैं, 280 स्क्वायर फीट वाला घर, और यहाँ पे सामान जो आप देख सकते हैं, सामान से ये घर भर चुका है, लोग और सामान पूरी तरीके से आया नहीं है, और लोग यहाँ क्या ही कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, वो अपने आप में एक सवाल निशान खड़ा करता है। आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत, जिस गति से गर्मी का पारा चढ़ रहा है, और जिस गति से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे में इन सामानों के बीच में रहना कितना तपा देता होगा एक आदमी को या एक इंसान को। तो ये उस हालात में ये लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे कितना बड़ा मकान था आप लोग का? वहाँ तो 1500 स्क्वायर फीट में था, स्क्वायर फीट हमारा मकान था, 1500 स्क्वायर फीट था, सारे बच्चे मेरे एक कमरे में रहते थे सुकून से, जो कमा के लाते थे चटनी रोटी खुशी से रहते तो थे, अब तो उससे भी हम लोग गए, अब कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद हो गए, हम लोग तो बर्बाद हो गए, कौन सुनेगा हम लोगों की, जब जवान भगाएंगे कहाँ थी अभी तक। बच्चों को भर दो, अभी तक कहाँ थी, क्यों नहीं भराया, नहीं सुनते, जब कहीं ठिकाना नहीं, नहीं ये भी ना लेते, हम फुट पहरे पहले से आधा बेड़ा दब गया भैया, कुछ नहीं निकल पाए, बक्से बड़े बड़े दरवाजे गेट लगा था, बढ़िया जिंदगी भर की कमाई वहीं लगा दिए, घर का बेच के भी लायक वहीं लगा दिया, कुछ नहीं बचा, घर पे भी खेती किसानी थी, जमीन जो थी सब बेच खोज के ला के यहीं लगा दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी, बिजली पानी की ऐसी कोई? यहाँ भाई अभी हम कल आए हैं, अस्पताल में थे। तो देखिए, तो ये हमने आपको दिखाया आग, जिस तरह से अकबर नगर को ध्वस्त किया गया, उसके बाद लोगों को यहाँ पर लाया गया और कहा गया आप यहाँ पे रहिए 6 महीने तक, इनसे अभी कुछ नहीं कहा गया है, 6 महीने बाद जो चीज़ें होंगी, या इन लोग का ये अंदाज़ा है कि उससे पहले भी चीज़ें हो सकती हैं। तो लगभग ये एक तरह का कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिरकार
लोग देखिए अभी भी बाहर हैं अपने घरों के। और ये क्या सामान आया है किसी नहीं का? ये पानी है। अच्छा पानी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये आपका दुकान है चाची? नहीं भैया, नहीं है। अच्छा ठीक है। तो देखिए तो ये हमने आपको अकबर नगर दिखाया, और अकबर नगर के लोग जो हैं इस समय यहाँ पर पीएम आवास योजना में रह रहे हैं, और इनको यहाँ पे वो जगहें दी गई हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ है जो अनसुनी है, क्योंकि बहुत जो लोग यहाँ पर इस हिसाब से रह रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको बीमारियाँ हैं, उनको भी प्रशासन ने नहीं बख्शा है, और उनको भी चौथे माले पे या तीसरे माले पे इन्हें घर दिए हैं। तो लगभग उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन अभी तक जो हमने दिखाया आपको, घर दिखाए किस तरीके के घर हैं, क्या सुविधाएं हैं, और लोग कैसे उसमें रह रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने आप तक लाई। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, लखनऊ से।